ये मजाक ही तो है साहेब, धरती पुत्रों के साथ मजाक ही तो हो रहा है। 9 दफा बैठक हो चुकी लेकिन नतीजा कुछ नहीं। तारीख पर तारीख और अब तारीख 15 जनवरी, 45 दिन तो हो चुके, 7 दिन बाद फिर बैठक होगी, यानी किसानों का आंदोलन पहुंच गया 52वें दिन तक। फिर बैठक होगी, सरकार के नुमाइंदे विज्ञान भवन पहुंचेंगे, किसानों का दल भी पहुंचेगा वहां, फिर बैठक होगी। और जनाब, पुरानी तस्वीरों को देखने से तो यही लगता है कि फिर मिलेगी अगली तारीख जिसमें बैठक होगी। जनाब, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, दुनिया के दूसरे मुल्क भी देख रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान की हुकूमत किसानों के लिए कितना गंभीर है। दरअसल पहले 4 मांगे थी हमारे किसानों की, फिर एक बैठक में 2 मांगों पर सरकार ने सहमति जता दी, लेकिन मुख्य मांग के लिए फिर तारीख दे दी और अब फिर तारीख। ये वही किसान है जिनकी मेहनत की बदौलत हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं, जिनके लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, यानी किसानों को सिरमौर माना गया था। लेकिन आज किसान सड़कों पर है, ना सर्दी की चिंता ना बारिश का डर, परिवार से दूर है जनाब ये। सर्दी का सितम इन्हें भी सताता है, परिवार से दूरियां इन्हें भी सताती है, लेकिन सरकार इनके दर्द से शायद दूर है। हुकूमत के नुमाइंदे पूरा मंजर देख रहे हैं, किसानों के लिए कुछ पार्टियां और नेता भी सड़कों पर आ गए। हिंदुस्तान की सरकार पर दबाव भी बनाया, कई ऐलान भी किए गए, लेकिन केंद्र सरकार पर अभी जू नहीं रहेंगी। आखिर ऐसा भी क्या, तारीख पर तारीख से आखिर होगा क्या? हैरानी देखिए, सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक होती है और बैठक का जो नतीजा होता है, जो सामने आता है, वो होता है अगली तारीख का ऐलान। जनाब, ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां करती है। किसानों ने अपनी ताकत भी दिखाई, ट्रैक्टर मार्च भी निकाला, लेकिन जनाब लगता है अभी कुछ और ही होना बाकी है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि उनका एक परिवार आज सड़कों पर है, तो क्यों ना उनकी मजबूरियों को समझा जाए, क्योंकि अगर यही किसान अपने खेतों को सूना छोड़कर सड़कों को ही अपना बिस्तर बना लेंगे तो जनाब पेट तो सभी को भरना होता है, क्योंकि ये पेट जात पात, समाज, आम और वीआईपी कुछ नहीं देखता, इसे चाहिए होता है भोजन जो इन खेतों से उपजता है। तो संभल जाइए साहब, अब बैठक नहीं, असल बात हो, नतीजा हो, ताकि फिर ना मिले कोई दूसरी तारीख। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।